हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान प्रधानमंत्री पद के लिए आसिफ अली जरदारी होने वाले हैं प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, इमरान खान की हो सकती है कभी भी छुट्टी। जी हां दोस्तों, ये बन सकते हैं प्रधानमंत्री। बताएंगे पूरी जानकारी दोस्तों क्या है, साथ ही आपको बताएंगे जहां तालिबान ने एक बार फिर कर है भारत को उकसाने वाली हरकत। दोस्तों सेना की यूनिट का नाम रखा पानीपत। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या मतलब हो सकता है इसका। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां श्रीलंकाई नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, दो नावे भी जब्त कर ली है। दोस्तों बताएंगे भारत सरकार ने इसके बाद क्या कदम उठाया है। और दोस्तों यूक्रेन विवाद पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और जो बाइडेन के बीच फोन पर कॉल पर बात हुई है दोस्तों, और जो बाइडेन ने पुतिन को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है, कहा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है और क्या है दोस्तों अभी की वहां की स्थिति। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर हिजाब मामले पर फिर एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को दिया है करारा जवाब। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने हिजाब मामले पर। साथ ही दोस्तों अमित शाह ने कहा भाजपा की सरकार बनी तो दुनिया भर में चलेगी लुधियाना की साइकिल। बताएंगे किसानों के कर्ज माफी से लेकर दोस्तों क्या क्या बातें कही हैं अमित शाह जी ने। और दोस्तों इतना ही नहीं, अमित शाह ने कांग्रेस पर अमृतसर में बोला हमला। साथ ही आपको बताएंगे जो अमित शाह का पंजाब दौरा, किसान के रूप में दोस्तों खालिस्तानियों ने अमित शाह जी के लिए की है ये बड़ी हिमाकत। दोस्तों क्या आ रही है खबर पंजाब से। और दोस्तों बड़ी खुशखबरी, ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार दे रही है 50% की सब्सिडी, कैसे आपको फायदा मिलेगा दोस्तों। और अगले महीने मोदी सरकार लेने वाली है बहुत बड़ा फैसला, 24 करोड़ लोगों को मिलेगी, क्या बड़ी खुशखबरी। हर तरह की जानकारी दोस्तों अभी हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी यहाँ तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों, और मानते अपना भारत कंट्री नंबर 1 कंट्री है दोस्तों। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान से बड़ी खबर, इमरान खान की कभी भी हो सकती है छुट्टी प्रधानमंत्री पद के लिए। आसिफ अली जरदारी के नाम पर हो रहा है विचार। आपको बता दें पाकिस्तान सदन में बदलाव के लिए तैयार है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का बड़ा फैसला किया है दोस्तों। विपक्षी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बोले तो पीपीपी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहयोगी मुताहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के लिए एक संयुक्त मोर्चा पेश करने के लिए अपने मतभेदों को दूर कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि पीएमएलएन के नवाज शरीफ नेतृत्व की भूमिका के इच्छुक नहीं है, लेकिन वही पीपीपी के आसिफ अली जरदारी के नाम पर विचार किया जा रहा है। पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने हाल ही में कहा था कि अगर वो सरकार की तरह काम नहीं करते हैं तो लोग विपक्ष में भी विश्वास खो देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले हफ्ते स्वीकार किया था कि देश की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने जो वादे किए थे उन्हें वो लागू नहीं कर सके। जी हां दोस्तों, यही बहुत बड़ा कारण है अविश्वास प्रस्ताव ला करके दोस्तों इमरान खान की। अब ये लोग मिलकर छुट्टी करने वाले हैं, और आसिफ अली जरदारी कभी भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो सकते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सबसे पहले हमने आपको दिया है दोस्तों। कृपया करके वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा अभी तक लाइक नहीं किया, और इस वीडियो को भारी मात्रा में दोस्तों व्हाट्सएप ट्विटर के जरिए शेयर करिए ताकि सबको पता चले पाकिस्तान के इमरान खान का हाल। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां तालिबान ने की है भारत को उकसाने वाली बड़ी हरकत, सेना की यूनिट का नाम रखा पानीपत। जी हां दोस्तों, भारत के लिए सिर दर्द समझे जाने वाले तालिबान ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है दोस्तों। तालिबान ने अपनी सेना की एक यूनिट का नाम पानीपत रखा है। माना यह जा रहा है कि तालिबान ने ऐसा भारत को चिढ़ाने के लिए किया है। काबुल से प्रकाशित होने वाली अमाज न्यूज में छपी खबर के मुताबिक तालिबान ने नांगरहार प्रांत में सेना की एक ऑपरेशनल यूनिट का गठन किया
किया है जिसका नाम पानीपत रखा है। दोस्तों आमतौर पर तालिबान इस्लामिक नाम रखता है, लेकिन ये पहली बार है दोस्तों जब तालिबान से भारत के ऐसे स्थान के नाम पर अपनी सेना की यूनिट का नाम रखा गया है जो अफगानों की शौर्य भारत की हार का प्रतीक है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान ने भारत को नीचा दिखाने उकसाने के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें दोस्तों इतिहास के पन्ने में पानीपत इस चीज को लेकर गवा रहा है। दोस्तों दरअसल पानीपत हरियाणा में मात्र 56 वर्ग किलोमीटर में फैला एक छोटा सा जिला है जो करनाल लोकसभा क्षेत्र में आता है। ये जिला यूं तो अपने हैंडलूम के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन भारत के इतिहास की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। दोस्तों इस जिले में होने वाले युद्धों ने भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों जो कि वर्ष 1761 में हुई थी और उस युद्ध में अफगानों की विजय भारत की हार का प्रतीक है दोस्तों, इसीलिए तालिबान ने पानीपत के नाम का इस्तेमाल भारत को नीचा दिखाने के लिए किया है। जी हाँ दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप भी मानते हैं कि नाम से कुछ नहीं होता तो जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों तालिबानियों को। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि भारत ने तालिबान की मदद की है दोस्तों, उनको खाने पीने की भी मदद पहुंचाई है भारत द्वारा, वो भी बड़े मात्रा में। उसके बावजूद भी दोस्तों भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तालिबान। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? क्या जवाब होगा आपका तालिबान के लिए? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां श्रीलंका नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, दो नावें भी कर ली हैं जब्त। जी हां दोस्तों श्रीलंका नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी कार्रवाई में मछली पकड़ने वाली दो नौकाओं को भी जब्त किया है दोस्तों। मछुआरों पर श्रीलंका के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने का आरोप है। भारतीय नौसेना के एक अधिकारी ने रविवार को मछुआरों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। तलाई मन्नार के उत्तर में समुद्र में श्रीलंका ने यह बड़ी कार्रवाई की है दोस्तों। नौसेना ने कहा है कि वो बॉटम ट्रोलिंग में लिप्त थे। श्रीलंका नौसेना ने 12 फरवरी की रात तलाई मन्नार के समुद्र में एक ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की जिसमें अवैध शिकार करने के आरोप में 12 भारतीय मछुआरों के साथ दो भारतीय ट्रालर यानी मछली पकड़ने वाली दो नावों को भी जब्त किया गया। इस महीने श्रीलंकाई जल क्षेत्र में भारतीय मछुआरों की ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। जी हाँ दोस्तों ऐसे में इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने श्रीलंकाई राजदूत को भी तलब कर लिया है दोस्तों। इस मामले पर अब बड़ा एक्शन भारत भी उठाने वाला है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। इसलिए हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा दोस्तों, और जितने भाई बहन नए हमारे चैनल पर आए हैं दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर जो बाइडेन ने पुतिन को यूक्रेन पर आक्रमण की भारी कीमत चुकाने की दी है चेतावनी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति से यूक्रेन की सीमा पर 1,00,000 से ज्यादा सैनिकों के जमावड़े को हटाने को शनिवार को फिर से कहा। साथ ही रूस को चेतावनी भी दी कि अगर वो यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी दृढ़ता से जवाब देंगे और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस ने यह बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। जानकारी के अनुसार जो बाइडेन ने पुतिन से कहा कि आक्रमण का अंजाम व्यापक मानवीय पीड़ा होने वाली है और रूस की छवि धूमिल हो जाएगी। साथ ही जो बाइडेन ने पुतिन से यह भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन पर कूटनीति जारी रखेगा लेकिन अन्य परिदृश्यों के लिए भी समान रूप से तैयार है। यूक्रेन संकट के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर 62 मिनट तक बातचीत हुई है। जी हाँ दोस्तों इसी बीच काला सागर में आग उगल रहे रूसी नौसेना के 30 युद्ध पोत अमेरिका ने भी भेजे टॉम हॉक मिसाइलों से लैस 4 विध्वंसक। जी हाँ दोस्तों यूक्रेन पर हमले के अटकलों के बीच रूस ने काला सागर में नौ सैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है दोस्तों। इसमें रूसी नौसेना के काला सागर बेड़े के 30 से अधिक युद्ध पोत और पनडुब्बियां हिस्सा ले रही हैं। ये युद्ध पोत सेवस्तोपोल और नावोरोइस में अपने घरेलू बंदरगाहों पर तैनात थे। उधर अमेरिका ने भी यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर को कई युद्ध पोतों और पनडुब्बियों को काला सागर में भेजा हुआ है। इस इलाके में अमेरिकी जहाज इतालवी नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ गश्त लगा रहे हैं। दुनिया भर के देशों की नौसेनाओं की काला सागर में बढ़ती मौजूदगी से तनाव गहराने के आसार जताए जा रहे हैं। खुद रूसी राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन काला सागर में दुश्मन नौसेनाओं की तैनाती पर नाराजगी जता चुके हैं। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर अफगानिस्तान में हिरासत में लिए गए ब्रिटेन के कई नागरिक ब्रिटिश सरकार ने तालिबान के समक्ष उठाया ये बहुत बड़ा मुद्दा। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के कई नागरिकों को अफगानिस्तान में हिरासत में ले लिया गया है दोस्तों। इस बात की जानकारी ब्रिटिश सरकार ने दी है। ये मामला उसने तालिबान की सरकार के समक्ष भी उठाया है दोस्तों। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके समाचार एजेंसी AFP को ये जानकारी तब दी जब एक दिन पहले तालिबान ने दो विदेशी पत्रकारों को हिरासत में ले लेने के बाद रिहा कर दिया। ब्रिटेन ने इन दोनों की यानी दोनों लोगों की रिहाई की मांग की है। मंत्रालय ने कहा, हम उन ब्रिटिश पुरुषों के परिवारों को सहयोग दे रहे हैं जो अफगानिस्तान में हिरासत में है। हालांकि सरकार ने ये नहीं बताया है कि ब्रिटेन के कितने नागरिक अफगानिस्तान में हिरासत में है और इनकी पहचान क्या है। अगली खबर की बात करें, जहां चीन बनाम अमेरिका का केंद्र बने ये दो छोटे से द्वीप, युद्ध हुआ तो बढ़ेंगी ताइवान की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, शीत युद्ध के शुरुआती चरण बोले तो US चाइना कोल्ड वॉर में अमेरिका और चीन के बीच दक्षिणी चीन सागर में स्थित दो द्वीपों के लेकर विवाद हो गया था दोस्तों। 1955 और 1958 में इन दो द्वीपों को लेकर तनाव इतना बढ़ गया था कि अमेरिका और चीन युद्ध करने को तैयार थे। क्यू मोय और मातसू नाम के ये दोनों द्वीप चीन के काफी नजदीक है, लेकिन इन पर नियंत्रण ताइवान का ही है। 1955 में तो चीन ने ताइवान नियंत्रित इन द्वीपों पर कब्जे को लेकर भारी बमबारी भी की थी, जिसके जवाब में अमेरिका ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देकर चीन को पीछे ढकेला। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर इन द्वीपों पर चीन का कब्जा हुआ तो ये ताइवान का मनोबल तोड़ने जैसा होगा। और अब दोस्तों, ये बहुत बड़ी टेंशन ताइवान को लेकर अमेरिका को होती दिखाई दे रही है दोस्तों। और अमेरिका अब कोई ना कोई बहुत बड़ा एक्शन जरूर उठा सकता है दोस्तों चाइना को निपटाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जाऊं, हिजाब विवाद पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा मुसलमानों की तमाम निशानियां खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, हर बार की तरह फिर एक बार दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, हिजाब को लेकर कर्नाटक में जारी विवाद पूरे देश में फैल गई है। इसी बीच PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी BJP पर जमकर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुझे डर है कि BJP सिर्फ हिजाब पर नहीं रुकेगी, वो मुसलमानों के तमाम निशानियों को खत्म करना चाहती है। महबूबा यही नहीं रुकी दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों के लिए सिर्फ भारतीय होना ही काफी नहीं है, उन्हें भी BJP होना जरूरी है। यानी कि दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में फिर ये कहते हुए कहा कि एक राजनीतिक मामला है, लेकिन वे इसे एक सामुदायिक मामला बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर राजनीतिक मसला है, धारा 370 खत्म करने से ये मसला सुलझा नहीं बल्कि और पेचीदा हुआ है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं वो कहावत है ना कि जब अंगूर नहीं मिलते तो अंगूर खट्टे हैं, और वही हिस्सा दोस्तों अब महबूबा मुफ्ती का है। और अब विवादित पे विवादित बयान लगातार महबूबा मुफ्ती दोस्तों देती जा रही है, और मोदी सरकार को खास करके घेरने की पूरी कोशिश और पूरा दम लगा रही है। क्या होगा आपकी राय, सुझाव दोस्तों इस पर कमेंट करके हमारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका कनाडा पुल से ट्रक चालकों ने हटाए अपने वाहन, लेकिन विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज हो गया है दोस्तों। आपको बता दें आखिर क्या है पूरा मामला। कनाडा में कोरोना वैक्सीन और अन्य प्रतिबंधों का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को US कनाडाई सीमा पुल से अपने वाहनों को तो हटा लिया। प्रदर्शनकारियों द्वारा वाहन हटाए जाने के बावजूद शहर में ट्रैफिक जाम देखने को मिला। पुलिस अधिकारियों की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि डेट्रॉइट और विंडसर ओंटारियो को जोड़ने वाले अम्बेसडर ब्रिज पर तनावपूर्ण स्थिति उस वक्त खत्म हो गई जब हमने उन्हें ट्रकों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए राजी कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि ओटावा में लगभग 4000 प्रदर्शनकारी थे। जी हां दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि ये खालिस्तानी दोस्तों ट्रूडो की सरकार को उखाड़ ही फेंकेंगे, क्योंकि ट्रूडो ने भारत के खिलाफ ही भी की थी। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां किम जोंग उन की मिसाइलों से घबराए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया अब बनाई ये नई रणनीति। जी हां दोस्तों, उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के लगातार महाविनाशक मिसाइलों के परीक्षण से कोरियाई प्रायद्वीप का माहौल गर्म हो गया है। इस गंभीर
गंभीर संकट को देखते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जापान एवं दक्षिण कोरिया के अपने समकक्षों के साथ शनिवार को हवाई में बैठक करके परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया के कारण पैदा हुए खतरे पर चर्चा की है। ब्लिंकन ने कहा है कि उत्तर कोरिया उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है और तीनों देशों ने हालिया मिसाइल परीक्षण की निंदा भी की है। अगली खबर की बात करें जहां पर हुती विद्रोहियों के खिलाफ यूएई को अमेरिका की बड़ी मदद, अमेरिका ने भेजे फाइटर जेट। जी हां दोस्तों, अमेरिका इन दिनों यूक्रेन संकट के बीच हुती विद्रोहियों से भी जूझ रहा है। दोस्तों दरअसल यमन के हुती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात पर हवाई हमला कर दिया है। दोस्तों ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने शनिवार को अपने फाइटर जेट F-22 का बेड़ा यहां भेजा है। आपको बता दें ये फाइटर जेट अबू धाबी के अल डफरा एयरबेस पर उतारे गए हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां ऑस्ट्रेलिया से बड़ी अच्छी खबर है। भारतीय विद्यार्थियों कारोबारियों के लिए 21 फरवरी से अपनी सीमा खोलेगा ऑस्ट्रेलिया। भारत ने भी की है इस फैसले की सराहना। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टीके की खुराक ले चुके सभी पर्यटकों और कारोबारी यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं 21 फरवरी से खोलेगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने महामारी संबंधी पाबंदियों में 7 फरवरी को ढील देने की घोषणा की थी। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर 40 साल का अमेरिका का रिकॉर्ड टूटा। आसमान छूती महंगाई से कैसे उभरेंगे, जो वार्डन समझ नहीं पा रहा अमेरिका। जी हां दोस्तों, अमेरिका में जारी महंगाई के ताजा आंकड़ों ने जो वार्डन प्रशासन और अर्थशास्त्रियों की चिंताएं बढ़ा दी है। ब्यूरो लेवल स्टैटिस्टिक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 12 महीनों में अमेरिका में उपभोक्ताओं वस्तुओं की कीमत में 7.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये पहले लगाए गए अनुमान से ज्यादा है दोस्तों, और इसने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों। और इस महंगाई के लिए दोस्तों आप जो बाइडेन को क्या सलाह देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। बात अगर अगली खबर की, जहां दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 804 नए मामले सामने आए हैं दोस्तों, 12 मरीजों की मौत भी हो गई है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। रविवार को दिल्ली में कोरोना के 804 नए मामले सामने आए जबकि 12 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण का दर अब घटकर 1.5% पहुंच गया है। अगली खबर की बात करें, जहां इसी को देखते हुए सीएम योगी का बड़ा आदेश, अब नाइट कर्फ्यू का घटाया 1 घंटे समय। यानी कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में प्रभावी कमी आने के बाद शासन ने रात्रि कर्फ्यू के समय में भी परिवर्तन कर दिया है। ये कोरोना कर्फ्यू अब रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा और इस फैसले से व्यापार जगत को काफी राहत मिलेगी। सभी प्रमुख बाजार, रेस्टोरेंट व बार आदि अभी तक रात्रि 10 बजे तक ही संचालित हो रहे थे, अब 10 के बजाय दोस्तों रात्रि 11 से लागू किया गया है ये कर्फ्यू। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर हिजाब मामले पर फिर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। औरैया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद का जिक्र करते हुए भी विरोधियों पर डायरेक्ट निशाना साधा है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर तरह तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रविवार को औरैया में हिजाब विवाद पर कहा कि देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। हर संस्था को अपना ड्रेस कोड तैयार करने का अधिकार है, संविधान के अनुरूप ही व्यवस्था चलेगी। सीएम योगी ने कहा, गज़वाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध ले, वो रहे या ना रहे, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा, जय श्री राम। उन्होंने आगे कहा, जनपद औरैया में राष्ट्रवाद की हिलोरे लेते इस जन समुद्र में भाजपा की प्रचंड विजय की हुंकार है। जिन्नावादियों का जिन्न जनता उतार रही है, धन्यवाद औरैया वासियों। यानी बड़ी बात कह दी है दोस्तों हिजाब मामले पर योगी आदित्यनाथ ने। क्या आप योगी आदित्यनाथ जी के इस बात का समर्थन करेंगे दोस्तों, जो जो इन्होंने कहा है? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर हाँ तो जय श्री राम भर के लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अगली खबर की बात करें, जहां अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनी तो दुनिया भर में चलेगी लुधियाना की साइकिल, किसानों का कर्ज करेंगे माफ। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रविवार को लुधियाना के ऐतिहासिक दरेसी मैदान में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने औद्योगिक नगरी में पंजाब के उद्योगों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्री
ने कहा है कि पंजाब में भाजपा गठबंधन की सरकार बनती है तो विश्व में लुधियाना की साइकिल का परचम लहराएगा। इसके साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को 4 रुपए में बिजली दी जाएगी। पहले कांग्रेस सरकार की तरफ से 5 रुपए बिजली देने का वादा किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि पंजाब के किसानों का 50,000 रुपए तक का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि 5 साल में नशा ब्याज समेत उखाड़ फेंकेंगे पंजाब में। 4 बड़े शहरों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनेगा। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, अमित शाह जी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और हमला बोला। कहा जो पीएम मोदी जी के रास्ते को सुरक्षित नहीं रख सके वो पंजाब को क्या रखेंगे सुरक्षित। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह जी ने कहा पंजाब में एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत उत्साह के साथ पंजाब की जनता से मिलने आए थे, लेकिन पंजाब सरकार इतना भी ना कर पाई कि उनके रास्ते को सुरक्षित रख सके। जो मोदी जी के रास्ते को सुरक्षित ना रख सके वो पंजाब को सुरक्षित नहीं रख सकते। केंद्र सरकार ने 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर मंदिर साहिब को FCRA प्रदान कर देश और दुनिया में रहने वाले श्रद्धालुओं को हर मंदिर साहिब की सेवा करने का मौका दिया है। अमित शाह ने कहा शांति और भाईचारा, माफिया मुक्त पंजाब, नशा मुक्त पंजाब, हर हाथ को रोजगार, खुशहाल किसान, निरोगी पंजाब, सबको शिक्षा का अधिकार, औद्योगिकीकरण और बढ़ावा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, सशस्त्र सम्मानित नारी, सबका साथ सबका विकास, इन 11 स्तंभ पर नया पंजाब बनाने का संकल्प बीजेपी और NDA ने लिया है। यानी कि दोस्तों बड़ा कटाक्ष कांग्रेस पर अमित शाह जी ने किया है। अगर आप भी उनके बात से सहमत है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर अमित शाह जी के पंजाब दौरे में किसानों के भेष में खालिस्तानियों ने काफिले को रोकने की कोशिश की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 700 शहीद किसान परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए अमित शाह जी का घेराव करने जा रहे किसानों के रूप में खालिस्तानियों के बड़े काफिले को पुलिस और मिलिट्री फोर्स की तरफ से गुरुद्वारा साहिब में खंडा चौक में ही रोक लिया गया। ये किसान नहीं हो सकते दोस्तों, किसान को बदनाम करने वाले खालिस्तानी ही हो सकते हैं। क्या कहते हैं आप लोग, जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां ममता बनर्जी और उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी में मतभेद बढ़ा, बंगाल की मुख्यमंत्री ने उठाया इसको लेकर ये बड़ा कदम। दरअसल तृणमूल कांग्रेस में दरार की खबरों के बीच पार्टी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने शनिवार को पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की समिति को भंग कर दिया, जिसमें उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव थे। इसके साथ ही पुराने और नई पीढ़ी के नेताओं के बीच बढ़ती दरार के बीच दिग्गजों से भरी 20 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपस में ही नहीं बनती दिखाई दे रही है ममता बनर्जी और उसके भतीजे में। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या होगी इस पर राय जरूर सुझाव दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर बड़ी खुशखबरी की खबर है दोस्तों, ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार देगी 50% सब्सिडी। कैसे मिलेगा इसका फायदा? दरअसल मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं पेश कर रही है। पीएम किसान के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए डाले जाते हैं। किसानों को खेती के लिए कई तरह की मशीनों की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी दे रही है। ये सब्सिडी पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत दी जा रही है। दोस्तों आपको बता दें क्या है और किसानों की मदद के लिए सरकार की योजना। जी हाँ दोस्तों, किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर बेहद जरूरी है, लेकिन देश में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते ट्रैक्टर नहीं है। ऐसी विकट परिस्थिति में उन्हें ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ता है या बैलों का उपयोग करते हैं। ऐसे में सरकार किसानों की मदद के लिए ये योजना लेकर आई है। दोस्तों 50% आपको सब्सिडी सरकार अपने तरफ से देने वाली है, यानी कि आधे दाम पर आप ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं। बाकी का आधा पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी। इसके अलावा कई राज्य सरकार भी किसानों को अपने अपने स्तर पर ट्रैक्टरों पर 20-50% तक की सब्सिडी मुहैया कराई थी। कैसे इसका लाभ उठा पाएंगे दोस्तों, हमने स्क्रीन पर दे दी है जानकारी, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में दोस्तों जितने भी किसान भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत खुशखबरी की खबर थी। अगली खबर की बात करें जहां पर अगले महीने मोदी सरकार लेने वाली है बहुत बड़ा फैसला, क्या 24 करोड़ लोगों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी? बता दें करीब 24 करोड़ खाता धारकों को खुशखबरी मिलने वाली है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। दोस्तों दरअसल वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दरें अगले महीने तय की जाएंगी। सभी EPFO खाता धारकों को की निगाहें इस पर बैठी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में दोस्तों आपको बताते जो अगली खबर आ रही है,
पोस्ट ऑफिस खाते में तुरंत आप अपना मोबाइल नंबर और पैन कार्ड अपडेट करवा ले, नहीं तो दोस्तों 20,000 से अधिक का नहीं कर पाओगे ट्रांजैक्शन। बड़ी खबर और नया अपडेट है दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है जिनका भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, कृपया अपना मोबाइल नंबर और पैन कार्ड जरूर अपडेट करवा ले। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगले खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप अगली खबर में दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।